आज हम बनाने जा रहे हैं हार्मन गार्डन का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं AVR235। इस पीस में फॉल्ट सिर्फ नो साउंड का है। जिन हमारे मित्र का है, उनका कहना है कि कोई भी सेक्शन में आवाज़ नहीं है। चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले कंडीशन कुछ कुछ ठीक भी है, कुछ कुछ ठीक नहीं भी है। सबसे पहले हम इसके DSP बोर्ड को निकालेंगे, क्लीन करेंगे नॉर्मली, जैसा कि हम प्रत्येक पीसेस के अंदर करते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी है, रस्ट है। चलिए इसको हम निकालेंगे, क्लीन करेंगे, उसके बाद देखते हैं। हमने इस बोर्ड को निकाला है, जो भी दिक्कत है इसी सेक्शन में है। दिक्कत से मेरा मतलब है जो धूल मिट्टी रस्ट जो आप देख रहे हैं, और इसके पीछे के हिस्से को देखिए, एकदम साफ सुथरा। चलिए इसको हम वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे। और कुछ छोटे छोटे पार्ट्स, जैसा कि मैं चेक करता हूँ सभी में, वैसा भी चेक करेंगे। वॉश कर दिया है, क्लीन कर दी है, जितना संभव हो सका उतना हमने इसको साफ किया है। पहले से काफ़ी बेहतर दिख रहा है। अब जो है हम पार्ट वाइज इसको चेक करेंगे। कुछ एक नॉर्मली जो हम चेक करते हैं, चेक किया मैंने जितना मैं चेक कर सकता था। ज़्यादातर DSP सेक्शन के आसपास के सभी पार्ट्स हमने चेक किए हैं, ऐसा कुछ भी ख़राब मुझे अभी तक मिला नहीं है। और अभी अभी हमारे मित्र का कॉल आया था, उन्होंने कहा है कि इसके फ्रंट के स्विचेस काम नहीं करते हैं ठीक से, इसे बदल दिया जाए। तो सबसे पहले हम फ्रंट के स्विचेस बदली करेंगे और इस बोर्ड को हम बाद में फिट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसके फ्रंट पैनल के यूनिट को पूरी तरीके से उलट पुलट कर रखा है। ये शायद हार्मन गार्डन में पहली बार मैं स्विचेस चेंज कर रहा हूँ। बहुत ही अंदर की तरफ दिया हुआ है ये बोर्ड। चलिए चेंज करते हैं इसको। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसमें नए स्विचेस फिट कर दिए हैं। अब जो है हम ये सेक्शन को फिट करेंगे और उसके बाद वॉल्यूम कंट्रोल में भी थोड़ी दिक्कत है, ऐसी शिकायत है मेरे मित्र का। तो इस यूनिट को खोलेंगे, कंट्रोल को सही करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसका वॉल्यूम कंट्रोल निकाल रखा है। इसको जो है हम अभी क्लीन करेंगे,
इसको ओपन करके साफ करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसके कंट्रोल को ओपन किया है और इसमें काफ़ी कालापन है। इसको हम क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। इसको हमने क्लीन कर दिया है और अभी इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। चलिए इसको अभी हम फिट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ का जो एक छोटा सा कनेक्टर पीसीबी जो कि यहाँ पर फिटेड था, इसको हमने क्लीन किया है, वॉश किया है। कारण कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी था, रस्ट था, और अभी भी इसकी कंडीशन आप देखें तो बहुत कालापन है इसमें। इसको हम क्लीन करेंगे, साफ करेंगे और साथ ही साथ ये जो नीचे का आउटपुट सेक्शन का जो बोर्ड है, इसको भी एक बार उलट पुलट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ जगहों पे ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो, एक कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। और नीचे का जो कनेक्टर का हिस्सा है, ये भी ठीक नहीं है इसकी हालत। इसको भी हम क्लीन करेंगे। चलिए करते हैं इसको। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसके नीचे के बोर्ड को, आउटपुट सेक्शन को पूरी तरीके से उलट पुलट कर रखा है। और उलट पुलट करने का जो मकसद है वो सिर्फ इतना ही है कि कुछ मेरी नज़रों से छूट ना जाए, ड्राइनेस, सूखापन। चलिए देखते हैं। इसके फ्रंट पैनल को हमने पैक कर दिया है और फाइनली हम डीएसपी बोर्ड फिट करने जा रहे हैं। उससे पहले ये ऑप्टिकल कोएक्सल इनपुट का पीसीबी है और यहाँ पर हमें इस सेक्शन में ड्राइनेस दिखी है, आप देख सकते हैं। इसको हम रिसोल्डर करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसको ऑन किया है, इसके सभी बोर्ड को हमने फिट कर दिया है, लेकिन अभी भी इसकी जो कंडीशन है, नो साउंड वाली एज इट इज़ है, नो साउंड में ही है। कोई इम्प्रूवमेंट, सफलता नहीं मिली है। चलिए ठीक है, अभी हम देखते हैं नो साउंड के लिए और क्या क्या हमें चेक करना है, उसे चेक करेंगे। इसके अंदर हमने काफ़ी कुछ रिसर्च कर लिया है और रिसर्च में ये पता चला है कि अपना ये जो डीएसपी आईसी है वो ख़राब है। अब इसमें आवाज़ कैसे लाएं, इस पे हम थोड़ा सोच विचार करेंगे, मंथन करेंगे, डायग्राम की सहायता से जानने की कोशिश करेंगे कि इसको एनालॉग बाईपास कैसे कर सकते हैं हम। इसकी हम इसके ऊपर हम काम करेंगे। चलिए देखते हैं इसकी बाईपास सर्जरी हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा।
इसमें टोटल फ्रंट लेफ्ट राइट सराउंड बैक और सराउंड ये इतने ऑन हुए हैं, सेंटर काम नहीं कर रहा है, तो इसके पीछे मैं ज़्यादा समय नहीं देना चाहता हूँ, काफ़ी समय ले लिया है। और ये वर्किंग गुड होने के पीछे की जो कहानी है हम उसकी बात करेंगे अब, और उसके बाद FM रेडियो का भी, जिन हमारे मित्र का है उन्हें FM रेडियो की भी शिकायत की है तो उस पर भी ध्यान देंगे। तो चलिए हम सबसे पहले आपको इसकी जानकारी देते हैं कि इसमें हमने किया क्या है, ये नो साउंड इशू सॉल्व कैसे हुआ है। हमने इसमें बाईपास सर्जरी की है, और बाईपास सर्जरी कैसे होती है, कैसे हम करते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे अभी और आपको पूरी जानकारी देंगे। ये जो अपना DSP IC है CS494003, ये अवेलेबल नहीं है और ये ख़राब है। ख़राब इस मायने में है कि ये गर्म होता था। अब हम बात करेंगे हमने इसमें बाईपास सर्जरी क्या की है, तो हम आते हैं यहाँ पर, ये IC है इसकी, ये IC हमने यहाँ से निकाल दी है, और किस तरीके से इसकी हमने बाईपासिंग की है आप जूम इन करता हूँ मैं, आप देख लीजिए। यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा कैपेसिटर का इस्तेमाल किया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्यों किया है मैं ये आगे चल के आपको बताता हूँ डायग्राम के हिसाब से कि हमने एक्स्ट्रा कैपेसिटर का इस्तेमाल क्यों किया है और इसके क्या संबंध हैं और क्यों होना चाहिए। ये है अपना वो IC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और ये जो IC है यहाँ पर आप देख रहे हैं AD राइट इन AD लेफ्ट इन पिन नंबर 51-52 पे जाती है, और फिर ये डिजिटली पूरा प्रोसेस कन्वर्ट होने के बाद ये यहाँ से ये IC ख़राब है, DSP प्रोसेसर जैसा लिखा हुआ है। ये पूरा डिजिटली प्रोसेस होने के बाद जा कर के वापस से इसके अंदर ही आता है, और फिर यहाँ से आप देख सकते हो जितने भी हैं ये सब आउट हैं, इतने आउट निकालते हैं प्रत्येक चैनल के लिए, प्रत्येक पीसेस के लिए इन्होंने अलग अलग कनेक्शन दिए हैं, सिग्नल्स दिए हैं। और मैं बता रहा था यहाँ पर हमने बहुत सारे एक्स्ट्रा कैपेसिटर लगाए हैं, तो क्यों लगाए हैं, यहाँ से एक एक पे हमने रेजिस्टेंस लगाए हैं छोटे छोटे, अगर आप इसको गौर से देख पा रहे हो तो छोटे छोटे रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया है हमने। और उस रेजिस्टेंस को हमने लेफ्ट टू लेफ्ट, जितने भी लेफ्ट हैं, फ्रंट लेफ्ट या सबवूफर, सराउंड और सराउंड बैक, इन सब पे हमने लेफ्ट को लेफ्ट पे, राइट को राइट पे। अब हम बात करते हैं कि कैपेसिटर हमने कहाँ पर और क्यों लगाया है। तो कैपेसिटर की हम बात करें तो कैपेसिटर का इस्तेमाल हमने किया है यहाँ पे, जो आउट माइनस की जो लाइन देख रहे हो, फ्रंट माइनस है, सब वूफर माइनस, सराउंड बैक माइनस की लाइन को हमने कैपेसिटर के माध्यम से उसको ग्राउंड किया हुआ है। अगर आप इस सेक्शन को, मैं एक आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर,
जैसे कि आप देख सकते हो ये फ्रंट लेफ्ट है, तो फ्रंट लेफ्ट का जो एक जो माइनस वाला पॉइंट है उसको कैपेसिटर के मदद से हमने उसको ग्राउंड किया है। इससे होता सिर्फ ये है कि साउंड इफ़ेक्ट थोड़ी बढ़ जाती है, नॉर्मल से 25% गेन करता है। और क्यों गेन करता है मैं उसकी भी आपको रीज़न बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे छोटे छोटे आईसीज लगे हुए हैं, ये इस लाइन के यहाँ पर जो आईसीज लगी हुई है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये आईसीज हैं ये सब। और ये एडी इन, लेफ्ट इन, राइट इन, जैसा कि हमने आपको पिछले दिखाया था एनालॉग टू डिजिटल आईसी के पास से निकलती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएसपी फ्रंट लेफ्ट और डीएसपी फ्रंट राइट इन। और ये है वो जैसे कि प्लस और माइनस, तो प्लस को तो हमने डायरेक्टली वहाँ से एक रेजिस्टेंस मार कर दे दिया है, लेकिन माइनस को हम क्या करते हैं, माइनस को हम यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाते हैं। मैंने कैपेसिटर का इस्तेमाल किया है 4.7 MFD कैपेसिटर का, और इसको यहाँ से ग्राउंड कर दिया है, तो वो माइनस का काम कर रहा है, और इससे जो है साउंड की इफ़ेक्ट 25% बढ़ जाती है। इसको हम अभी फिट करेंगे। वो मैंने बंद किया हुआ है, ठीक है। इसको अभी हम ऊपर का जो बोर्ड है वीडियो बोर्ड उसको फिट करेंगे। FM रेडियो पे थोड़ा ध्यान देंगे, FM रेडियो की मांग की है हमारे प्रिय मित्र ने। FM रेडियो में पहले से किसी ने काम किया है, और इसके अंदर का जो एक क्वाइल ट्यूनिंग है वो मिसिंग है, तो हमने उनसे चर्चा की कि या तो मैं दूसरा ट्यूनर का बंदोबस्त करूं, तो उन्होंने मना कर दिया जिन हमारे मित्र का है। और सेकंड बात ये है कि इसका सेंटर स्पीकर बंद था, हमने ये बोर्ड सेंटर स्पीकर भी वर्किंग है, सेंटर स्पीकर काम कर रहा है इसका, पहले क्यों नहीं चालू हुआ पता नहीं। चलिए अभी हम इसको फिट करेंगे, रेडी फॉर डिलीवरी है ये, पूरी तरीके से फिट कर दिया है, रेडी फॉर डिलीवरी, और फाइनली ऑडियो बाईपास सर्जरी सक्सेसफुली डन है।